लाओ जरा, लाओ। क्या चल रहा था? लाओ आई। हाँ, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर बताना। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कई गो क्वेश्चन है? अब इसमें कई गो क्वेश्चन बाकी है? बस 11 है। एक ही वो तो आई छोड़ दिए थे। अच्छा, एक कर ला, अलग से कोई वीडियो बना देंगे 5-10 मिनट के लिए। अभी देखिए एक्सरसाइज 3.1 में 11 नंबर। पहले लिख लो कि कह कौची रहा, लिख लीजिए। निम्नलिखित स्थितियों में से, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करें। लिख लो, लिख लो। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य अंक ज्ञात करें। बहुपद का शून्य ज्ञात करें। बहुपद का शून्य ज्ञात करें। बहुपद का शून्य ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन 11 के, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5 बन जाएगा, छोटे से जगह में बन जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, पी एक्स बराबर 2x माइनस 5, ये भी अपने से जगह में बन जाएगा। तीसरा नंबर पी एक्स, अरे दूसरा और तीसरा तो एकदम हूबहू वही क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, सेम है, तो फिर तीसरा का हल बता दें, चौथा बता दें। जो दूसरा है 2x माइनस 5 एकदम हूबहू वही वाला क्वेश्चन में तीसरा है, तो तीसरा दोबारा नहीं लिखते हैं। 3x माइनस 6, पांचवा नंबर क्वेश्चन, पी एक्स बराबर 5। पहले क्वेश्चन देख लो, चाहो तो इतना देर में क्वेश्चन में लिख लेता, लेकिन अब नहीं लिखेगा। कलम नीचे रखो, कहीं नहीं जाएगा, हम गारंटी लेते। अगर चल गया तो हम बाइक से पकड़ के ला के दे देंगे उसको, नहीं जाएगा हम गारंटी लेते हैं। कलम को नीचे रखे और समझने पर ध्यान दीजिए। निकालना कौची है? शून्य अंक, शून्य मतलब जिसका भी शून्य अंक निकालना उसको बराबर कर दो किसके? शून्य के। जीरो इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में क्या बोलते हैं? शून्य। शून्य के बराबर कर दो। अब बाद में हम जानते हैं कि x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो x बराबर जो प्लस 5 इधर है वो बराबर किस तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस 5। बस बन गया x बराबर कितना आंसर? माइनस 5। यही शून्य हो गया। मुँह बंद करो, मुँह बंद कर, फाड़ते रहता है, मुँह सोता नहीं। अरे इसको पानी दो, क्या नाम है वो पीछे से कितना पानी दो, दो चार एक बोतल, इसको एक बोतल पानी तो पान लाता है, उधर देखो बोतल होगा, इसको पानी दो पीने के लिए, नींद आ रहा अने, तो इसको पानी पे आँख, आँख पे पानी मारो, एक बोतल दूसरा पान ला के दो इसको, साफ पानी अने पिए तो पानी मारो इसको दो चार छीटा। सुबह सुबह आके सो रहा है यहाँ पे, सुबह सुबह एकदम फ्रेश रहे, कितना बार बताते नहीं होता, रात भर भरदम सोते, सुबह नहा धोगने आ रहे नहीं आ, तभी नहीं सो रहा है के लिए इधर गया के जब। देखो बाबू टीचर है, बोलेंगे अच्छा नहीं, हम चाहते हैं टीचर है तो बड़ी प्यारा प्यारा बोले, प्यारा प्यारा बोले इसके होगा, हम जितना प्यार प्यार से बोलेंगे उतने तो हमसे प्यारा प्यारा बोलेगा, वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं, पढ़ना ज़रूरी है। एक टीचर के कर्तव्य है कि बुजुर्ग को पढ़ा दीजिए, जब ज़रूरत पड़े हम दो दिन नहीं आवे तो तू आके यहाँ पर पढ़ा सको,
इतना भर तुमको पढ़ा दें, हमको प्यार व्यार नहीं चाहिए तुमसे, हाँ जो पढ़ाते हैं वो चाहिए, हम इनपुट देंगे आप हमको आउटपुट दीजिए, मतलब जो हम तुमको सिखाएं पलट के तुम किसी को जाके बता दो तो हम खुश हो जाएंगे। और यहाँ आने के बाद सुबह सुबह मुँह कान फैर रहा है, सुबह सुबह फिर पूरा फ्रेश हो के आइए, एजाइसन नहीं लगे ना, ये जाके कर रहा है वो सब करने वाला, हमको सवेर सवेर सख्त नफरत है। पूरा फ्रेश हो के आइए, सुबह में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज योगा वोगा कर क्या बुतरू वाला, चलो बाल बुतरू है भाई, रात में हरदम सुतो, ये जाके ऐसा लग रहा है जैसे सुता नहीं है। 2x-5 = 0, 2x-5 बराबर, जिसका भी शून्य निकालना उसको किसके बराबर कर देंगे, जीरो के बराबर नहीं, जीरो इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में क्या बोलेंगे, शून्य। फिर लिखो 2x बराबर कितना, देखो इधर जो -5 है बराबर किस तरफ आके क्या हो जाएगा, अरे उधर -5 तो इधर आके +5, x बराबर कितना हो गया 5, और जो बटा जिससे 2 गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, बटा में 2, तो x बराबर हो गया 5/2, और यही इसका आंसर है। अभी भी मत लिखना, लिखना 3x-6 बराबर क्या, जिसका भी शून्यक निकालना उसको सबसे पहले शून्य के बराबर मार देंगे हम खींच के, कहा था आप वैसे अगर करेगा मेरे सामने तो उनको तो समझा रहे हैं बाबू, समझा रहे हैं, समझ जाओ, वैसा हरकत सुबह सुबह करोगे तो पिटा जाओगे। चल देखो इधर 3x-6 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना 6, इसकी वजह से होता है, इसको बंद करो। 3x-6 को इस तरफ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा +6, 3 से काट दो, x बराबर कितना, यही जो आया है यही इसका शून्य है। अगर इसका शून्य चाहिए 5x, तो 5x को ही कर दो किसके बराबर, 0 के बराबर, जिसका भी शून्य निकालना उसको किसके बराबर कर देंगे, शून्य के बराबर, मतलब शून्य अंक निकालना शून्य के बराबर। अब बोलो x बराबर कितना, तो 0, अब बटा में कितना 5, अरे जो 5 गुना है ना के बटे में हो जाएगा, 0/5 कितना हो जाएगा 0, इसको लिख लो जल्दी, 2 मिनट में लिखिए, आगे फिर बताते हैं। हो गया 6ठा और 7वां, इतना जगह काफ़ी। 6ठा नंबर क्वेश्चन बोलो, px बराबर कितना है x+1, एकर शून्य निकालना। 7वां नंबर बोलो, px बराबर px+q, गलत क्वेश्चन है, सुधारे पड़ेगा, वो सुधारना होगा, p+q जो देख रहे हैं गलत है, वो सही क्वेश्चन होगा 7वां में, px और प्लस में q, क्वेश्चन गलत है, सही वाला होगा जो हम लिखे हैं उसमें p+q लिख ले हैं वो गलत है। अरे लिखो, नहीं लिखा उतना देर में, बोला लिखे ना तो रुक जाओ, अच्छा ये लिख रहा था क्वेश्चन, कोई बात नहीं। जिसका भी शून्य निकालना है, x+1 के शून्य निकालना है, तो x+1 को ही हम मान लेंगे किसके बराबर, जिसका शून्य निकालना उसको बराबर कर दो शून्य के, बाद में x+1 है तो जो इधर +1 है वो बराबर के इस तरफ आकर कितना हो जाएगा, आंसर यही वाला। फिर px+q, इसका शून्य निकालना है, इसको बराबर कर दो शून्य के, फिर इसमें से निकालना है तो px बराबर बोलो +q इस तरफ है, बराबर किस तरफ आके क्या हो जाएगा -q, तो x बराबर कितना होगा -q/p,
पी, यही वाला आंसर जो लिखे यहाँ पर माइनस वन आंसर है। एक्सरसाइज 3.1 खत्म। छापो जितना जल्दी हो सकता आप लिखिए, फिर एक्सरसाइज 3.2 बताना। अब 3.2 के लिए उसको अलग से वीडियो में बता देते हैं।